हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफ्यूम डूड। मैं आप सबका दोस्त अली, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जिसमें हम लोग बात करते हैं परफ्यूम, अतर, डिओड्रेंट्स, उन तमाम चीजों के बारे में जो खुशबू फैलाती हैं। इंडिया में काफी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि स्टाइल ब्रांड्स हैं, काफी सारे ऐसे चीजें बनाते हैं जो कि फैशन या फिर स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन सारे छोटे छोटे ब्रांड्स में से परफ्यूम्स का भी एक बहुत अच्छा कलेक्शन निकल के आया है। ऐसे एक ब्रांड है विलेन, जो कि काफ़ी सारे ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलता है, तो मैंने भी उस उम्मीद से खरीद लिया कि कुछ होगा इसके अंदर। ये रेड सा एक आप लोगों को बॉक्स दिख रहा होगा, विलेन स्नेक, जो कि EDB के फॉर्म में आता है। वैसे रेड वाला एक थीम देख के मैंने खरीद लिया था, मैंने इसका ब्रेकडाउन नहीं देखा था, हालांकि ब्रेकडाउन उन्होंने दिया हुआ है, नोट ब्रेकडाउन, तो मुझे लगा ये शायद थोड़ा मिस्टीरियस सा डार्क स्पाइसेस एलिमेंट इसके अंदर होगा, सैफ्रन वगैरह कुछ यूज़ किया होगा, लेकिन वैसा नहीं है। क्या है ये परफ्यूम, कैसा है, चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसका बॉक्स, आप लोगों को दिख रहा होगा एक रेड सा बॉक्स। यहाँ पे काफी सारा इन्फॉर्मेशन है, 950 का MRP अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो सही, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक 20 ml वाला बॉटल इसके अंदर फ्री में मिलता है। 20 ml वाला बॉटल था इसके अंदर, बट किसी ने ले लिया, ले ही जाते हैं लोग। और ये जो है ये मार्केट किया जाता है विलेन लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, आप लोगों को मिल जाएगा हर प्लेटफॉर्म में, इजीली मिलता है। और इसके काफ़ी सारे फ्लैंकर्स भी मिलते हैं, 500-550 के रेंज में आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाता है ये परफ्यूम। अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाके खरीद सकते हैं, उससे पहले देख लीजिए कि क्या है, कैसा है, इस्तेमाल करने में सही है या नहीं, आप लोग इस जॉन के परफ्यूम आप लोगों को पसंद है या नहीं, वो सब बताएंगे। अब देख लेते हैं इसका बॉटल। इसके अंदर एक सिंपल सा बॉटल कार्डबोर्ड सा सपोर्ट दिया हुआ है, और ये है 100 ml वाला बॉटल। बॉटल काफ़ी सिंपल सा बॉटल है, मुझे सिंपल बॉटल काफ़ी पसंद है, हैंडी होते हैं पकड़ने में और देखने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। कैप से शिकायत है, बहुत ही हल्का सा कैप है, और स्प्रेयर भी एक प्लास्टिक सा स्प्रेयर दिया हुआ है, हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ कारीगरी नहीं की गई, और स्प्रेयर आप लोग देख सकते हैं एक अच्छा मिस्ट स्प्रेयर से भी कोई शिकायत नहीं है, काफ़ी अच्छा स्प्रेयर है। अब देख लेते हैं इसका नोट ब्रेकडाउन। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था कि रेड वाले बॉटल से मुझे लगा था कि ये जैसे बकरत रूज वगैरह जैसा या फिर स्पाइसेस सैफ्रन वगैरह कुछ होगा इसके अंदर, डार्क एलिमेंट होगा, नहीं। इसके टॉप नोट में मेंशन है कि ओजनिक लेयर, ओजनिक सा वाइब मिलेगा आप लोगों को, लेमन मिलेगा सिट्रस में, तो मिलता है, काफ़ी सिट्रसी है, एक फ्रेश ओजनिक वाइब इसके अंदर मिलता है, और लेमन का भी काफ़ी अच्छा, जो ग्रीन लेमन है उसका काफ़ी अच्छा एहसास आप लोगों को पहले ही स्प्रे में आप लोगों को हो जाता है। और इसका मिड नोट जो है वो काफ़ी फ्लावरी है, और फ्लावर का एहसास टॉप नोट में भी होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम सिट्रस है, नहीं, एक अच्छा ब्लेंड है, बहुत ही फ्रेश ब्लेंड है। गुलाब का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल इसके अंदर देखने को मिलता है, पचुली सा एक ग्रीनी वाइब भी मिलता है, पचुली का एक क्लीन स्मेल है इसके अंदर, वो ग्रीननेस देता है इसके मिड नोट में। ड्राई डाउन में लिखा हुआ है वैनिला मस्कर अंबर, लेकिन मुझे ऑनेस्टली वैनिला का उतना ज़्यादा इस्तेमाल इसके अंदर मिलता नहीं है, मुझे एहसास ही नहीं हुआ वैनिला ड्राई डाउन तक, स्पेशली ये परफ्यूम मेरी बॉडी पे तो गया नहीं, मेरे रीजन पे ये उतना ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन हाँ एक काफ़ी अच्छा फ्रेश और एक क्लीन, एक इसके अंदर आप लोगों को साफ सा एलिमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक ऐसा जैसा साबुन सा वाइब, साबुन मतलब वो जब पाउडरी नहीं है, एक सर्फ जैसा वाइब होता है, उस तरह का वाइब आप लोगों को देखने को मिलता है। जो सबसे जरूरी है अगर आप लोग इस तरह का फ्रेश परफ्यूम कंसिडर करते हैं, तो इसका परफॉर्मेंस ये है कि 1 घंटे तक ये थोड़ा स्प्रेड होता है, 1.5 फीट तक, उसके बाद ये काफ़ी क्लोज टू स्किन हो जाता है। 2-3 घंटे तक मुश्किल से बना रहता है बॉडी में, कपड़े पे स्प्रे करें तो 4 घंटे मुश्किल से, 4 घंटे के बाद कपड़ों पे भी बहुत ज़्यादा फेडी हो जाता है। वैसे तो फ्रेश परफ्यूम है, इनिशियल स्प्रे में आप लोगों को काफ़ी थोड़ा लाउड फील होगा, मुझे तो EDP थोड़ा इसके अंदर मिथ लगा, EDT बोल सकते थे, कोलोन बोल सकते थे इसको, EDP बताए हैं, लेकिन नहीं मिलता EDP वाला कंसंट्रेशन इसके अंदर, मुझे एहसास नहीं होता, अल्कोहलिक सा वाइब जो स्प्रे में वो भी महसूस होता है, और सियाज भी काफ़ी ज़्यादा उतना नहीं है खास, आप लोगों को वही 1-1.5 घंटे तक एक हल्का ट्रेल महसूस होगा, उतना ज़्यादा सियाज नहीं है, प्रोजेक्शन भी काफ़ी सॉफ्ट है, 1-1.5 फीट का प्रोजेक्शन आप लोगों को मुश्किल से मिलता है। मेरे हिसाब से काफ़ी
अलग ऑप्शंस इसके ब्रांड में भी अवेलेबल हैं, चाहे तो उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को एक क्लीन सा वाइब चाहिए, एक फ्रेश वाइब चाहिए, थोड़ा उसके अंदर आप लोगों को वो जो फ्लावरी सा टच, जैसे गुलाब जैसे टच आप लोगों को पसंद है, तो आप लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं। काफ़ी इस ग्रुप को ये पसंद आएगा। मेनली मुझे जो लगता है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ऑफिस जाने वाले बंदे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। अगर 3-4 घंटे बाद आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं, तो वैसे 500-550 में आ जाता है, तो रीअप्लाई करना कोई बुरी बात नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए बन के आएगा। मेरे हिसाब से काफ़ी ब्लाइंड बाय सा परफ्यूम है, आप इसे ब्लाइंड बाय कर सकते हैं, हर ओकेजन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े गैदरिंग पर यह ज़्यादा काम नहीं करेगा मेरे हिसाब से, तो नहीं करता। आप लोग अगर इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों पे काम करता है, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। और मेरा ये मानना है कि ये परफ्यूम को आप कंसीडर कर सकते हैं तब जब आप लोगों को एकदम सा फ्रेश वाइब पसंद है, थोड़ा हल्का फ्लावरी या वो जो है उड़ी सा एलिमेंट आप लोगों को चलता है, जस्ता है, तो ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम रहेगा। इसी तरह और भी परफ्यूम्स का रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।